हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मदर्स टॉक। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चे को जब भी टीथिंग होता है तो हम उसे कैसे आराम दिला सकते हैं, क्या क्या हम होम रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं जिससे कि बच्चे को थोड़ा सा सूदिंग हो। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया कि टीथिंग के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर आपको अपने बच्चे में ये सिम्टम्स दिखते हैं तो आपको कुछ होम रेमेडीज़ अपनानी होंगी जिससे कि आप अपने बच्चे को सूद कर सकें और उस प्रोसेस से आप उसे आराम से निकाल सकें, क्योंकि एक ऐसा प्रोसेस है जो कि होना ही है। आप भी कुछ नहीं कर सकते और हम भी कुछ नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं कि हम क्या क्या होम रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। सबसे पहला तो ये है कि हम बच्चे के लिए अच्छे टीथर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो सिलिकॉन के टीथर होते हैं वो हम मार्केट से ख़रीद सकते हैं जिससे कि बच्चा कुछ और खाने के बजाय उसे मुंह में दे। तो हम दो तीन तरह के डिफरेंट टीथर ला सकते हैं जो कि जो भी बच्चे को पसंद आए। स्पेशली जो ब्राइट कलर के होते हैं वो बच्चों को ज़्यादा अच्छे लगते हैं, वो बच्चों को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए हमें वही ख़रीदने चाहिए जिससे कि बच्चे उसे लें और मुँह में देना है अगर तो वो मुँह में वही दें और कुछ भी ना दें। अदर रेमेडी ये है कि आप क्या कीजिए, कॉटन का कपड़ा लीजिए, उसे ठंडे पानी में डाल के, अच्छा क्लीन कपड़ा होना चाहिए, पानी भी क्लीन होना चाहिए, उसे ठंडे पानी में डाल के निचोड़ के उसके गम्स को धीरे धीरे करके आप मसाज कीजिए। उससे उन्हें बहुत अच्छा फील होगा। एक्चुअली क्या होता है, जो ठंडी चीज़ें होती हैं उससे थोड़े समय के लिए वो एरिया जो होता है वो नम हो जाता है, जिससे कि उन्हें ऐसा लगेगा कि शायद पेन चला गया है। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा तरीका है बच्चों को आराम दिलाने का। अदर होम रेमेडी ये है कि आप अपनी फिंगर यूज़ कर सकते हैं। अपनी फिंगर को अच्छी तरह से वॉश कीजिए और बच्चे के गम में हल्का हल्का उसको रब कीजिए जिससे कि उसे थोड़ा सा आराम मिलेगा। आपको बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, एकदम हल्के हाथों से आपको बच्चे के गम को रब करना है। अदर रेमेडी ये है कि आप बच्चे को थोड़े हार्ड फूड दे सकते हैं जैसे कि कैरेट हो गया। वैसे तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अवॉइड कर सकते हैं इन चीज़ों को, लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल है और अगर आप अपनी निगरानी में बच्चे को रखे हैं तो आप दे सकते हैं। क्या कीजिए, आप कैरेट लीजिए, उसका बड़ा सा पीस कट कीजिए और उसे बच्चे को च्यू करने के लिए दे दीजिए। वो बाइट तो नहीं कर पाएगा फॉर श्योर, क्योंकि दांत ही नहीं है उसके, लेकिन फिर भी कुछ भी मिसहैप हो, इसलिए आप अगर बच्चे को कैरेट दे रहे हैं ऐसा देने सोच रहे हैं तो आप अपने सामने ही रखिए ताकि बच्चा गलती से उसे निगल ना ले और चोकिंग का प्रॉब्लम ना हो। कुछ लोग अपने बच्चे को सूद करने के लिए होम्योपैथी टैबलेट्स भी लेते हैं। मैंने एक डेंटोनिक्स का बहुत नाम सुना है, बहुत लोग उसे लेते हैं। मैंने यूज़ नहीं किया था बट काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, तो आप भी चाहें तो ले सकते हैं, उससे कुछ हार्म नहीं होता है। बट हाँ, डेफिनेटली बच्चे को आराम मिलता है। आप बच्चे को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बोला है कि बच्चों को डिस्ट्रैक्ट कीजिए। उन्हें डिफरेंट गेम खिला सकते हैं आप, उन्हें उनके साथ मस्ती कर सकते हैं, उन्हें जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा टाइम दीजिए, कडल कीजिए उन्हें और नई नई चीज़ें करने की कोशिश कीजिए उनके साथ, ताकि उनका माइंड जो है वो पेन से हटकर दूसरी चीज़ों में लग जाए और उन्हें पेन का उतना एहसास ना हो। अदर थिंग इज़ कि आप बच्चे को स्पून भी दे सकते हैं, ये भी बेस्ट है। आप उसे ठंडा करने रख दीजिए, चिल्ड करने रख दीजिए और बच्चे को दे दीजिए, वो उसे अपने मुंह में रखेगा तो उसे ठंडा फील होगा। जितना ज़्यादा उसे आप ठंडा देंगे उतना ही अच्छा होगा, उतना ही उसका पेन नम हो जाएगा। आप उसे खाना भी कुछ अगर आप दे रहे हैं तो आप उसे ठंडा दे सकते हैं, बट मेक श्योर कीजिए कि आप उसे ज़्यादा ठंडा भी मत दीजिए, अदरवाइज़ उन्हें सर्दी ज़ुकाम का प्रॉब्लम हो सकता है। तो जो भी चीज़ें करनी है हम एकदम ध्यान से करनी है, एकदम निगरानी में करनी है अपने, जिससे कि उन्हें किसी भी तरह का कोई इशू ना हो। बहुत ज़्यादा प्यार देना है उन्हें इस समय पे, और अगर हो सके तो आप उसे ब्रेस्ट मिल्क दीजिए, क्योंकि बच्चा इस समय पे ज़्यादा कुछ खाता नहीं है, कुछ भी पीता नहीं है, तो इस समय पे ब्रेस्ट मिल्क उनके लिए वरदान है। तो आप वही कंटिन्यू कीजिए उनके साथ अगर वो कुछ भी खा नहीं रहे हैं तो, जिससे कि उनके शरीर में पोषण की कमी नहीं होगी और वो अच्छी तरह से ये फेज निकाल पाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगी, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जो भी बच्चे को टीदर देने वाले हैं या आप अपनी फिंगर बच्चे के मुँह में डालने वाले हैं या स्पून या टावल जो भी आप लेने वाले हैं, मेक श्योर कीजिए कि वो क्लीन हो, अच्छी तरह से आपने उसे साफ़ किया हो, ताकि बच्चे को
किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो। तो ये तो थी कुछ होम रेमेडीज जो कि आप अपना सकते हैं अपने बच्चे के ऊपर जब भी आपका बच्चा टीथिंग फेज में है। जनरली टीथिंग स्टार्ट होती है 6 महीने से 8 महीने के बीच में टीथिंग फेज शुरू हो जाता है और ये काफ़ी समय तक चलता है। बीच बीच में रुक जाता है फिर शुरू होता है जिस तरह से उनके दांत आने लगते हैं। तो ये फेज काफ़ी लंबा चलने वाला है, तो आपको पेशेंस रखना है अपने बच्चे के साथ। डिफ़िकल्ट फेज़ होता है बच्चे के लिए भी और पेरेंट के लिए भी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इन बिटवीन, लेकिन टेंशन लेके कोई फ़ायदा नहीं है। ये फेज़ है तो इसे निकालना भी है और ये बेस्ट है कि अगर हम इसे अच्छी तरह से निकाल पाएँ तो बहुत अच्छा होगा। तो आप ये सारे रेमेडीज़ ट्राई कीजिए और मेरे साथ शेयर कीजिए आपका जो भी एक्सपीरियंस है। मे बी आपके पास कुछ और होम रेमेडीज़ हो सकती हैं जिससे कि हम बच्चों को सूट कर सकें टीथिंग के टाइम पर, तो आप प्लीज़ मेरे साथ उसे शेयर कीजिए। तो ये हम वीडियो के एंड तक पहुंच चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया ये वीडियो तो आप इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।